Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sarita Global School. I will teach you Hindi in class 5. तो बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 4 नन्ना फनकार के प्रश्न उत्तर. जैसा कि आपको पता है हमने पाठ पढ़ लिया था. इस पाठ में हमने देखा था कि केशव नाम का लड़का होता है जो कि अपने पिता से नक्काशी का काम सीखता है और वो एक बहुत अच्छा कारीगर होता है ना, कलाकार होता है एक तरह का. वो क्या करता है, जो पत्थर की घंटिया होता है बनाता है, उस पर काम करता है. और जो राजा होते हैं वो उसके काम से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपने एक दिन कारागार मतलब अपने कारखाने में उसे एक दिन वो कहते हैं कि जब मैं अपना कारखाना बनवाऊंगा तो तुम्हें उस कारखाने में जरूर बुलाऊंगा और तुम वहां अपनी कला दिखाना. तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा था कि जो केशव कौन था, वो बहुत अच्छा कलाकार था. इसमें हम इस चैप्टर में हमने केशव के बारे में पढ़ा था जिसके माता पिता गुजरात से आ गए थे और अब वो कहाँ रह रहे थे, आगरा में रह रहे थे. और वहां पर जो है एक अकबर महल बनवा रहे थे, उसी महल में उसके पिताजी काम कर रहे थे और उसके पिता ने ही उसे जो है ये कला सिखाई थी. ये हमारा चैप्टर था. अब आज की क्लास में हम इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर उनको पढ़ेंगे करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है केशव की घंटिया. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, माशा अल्लाह ये घंटिया कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है, बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी. यानी कि जब वो घंटिया बना रहा था, घंटिया बनाने एकदम बिजी था, व्यस्त था, तब अकबर आकर उससे पूछता है कि बोला था उसने कि माशाल्लाह ये घंटिया कितनी सुंदर है, क्या तुमने खुद ने बनाई है. अब बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी, क्योंकि केशव के काम की तारीफ में. घ यह जानने के लिए कि घंटिया कितनी सुंदर है. घ केशव से बातचीत शुरू करने के लिए. या फिर घ से घड़ी और ये घ से गमला है और ये घ से घड़ी वाला घ है. या फिर घ घंटिया किसने बनाई यह जानने के लिए. या फिर ड क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटिया बना सकता है. या फिर च कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो. तो इसका सही आंसर हम लिखेंगे क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटिया बना सकता है. तो इसका सही उत्तर हम लिखेंगे ड. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटिया बना सकता है. तो इस वाले जो क्वेश्चन में आपको कितने सारी ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कुल मिलाकर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दे रखे हैं. 6 के 6 ऑप्शन आपको लिखना है और नीचे आंसर में लिखोगे ड, वापस से उत्तर ड करके उत्तर लिखोगे क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटिया बना सकता है. अब आगे प्रश्न 2, केशव पत्थर पर घंटिया तथा कड़िया तराश रहा था. उनके द्वारा उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ. तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो, संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ. तो अगर आप ये कर सकते हो तो पढ़ना, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है उसको स्कीप कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर. केशव पत्थर पर घंटिया तथा कड़िया तराशा था. उसके द्वारा तराशी जा रही घंटिया और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ. क्या तुम ऐसी कोई खास इमारत के बाद याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई है, संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ. तो जैसे ताजमहल है उस पर नक्काशी का काम किया गया है, अक्षरधाम मंदिर में ऐसा काम किया गया है जिसमें सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है. तो अगर आप चाहो तो ताजमहल का चित्र चिपका सकते हो. उस क्वेश्चन में तो नाम लिखना था ऐसी इमारतों का और एक चित्र चिपकाना था. तो अगर आप चाहो तो ताजमहल का चित्र चिपका सकते हो, ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को पढ़ना है. क्या करना है, ताजमहल अक्षरधाम मंदिर जैसे ऐसे हैं जिसमें सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है, ये इसका उत्तर हो जाएगा. अब नेक्स्ट आना जाना. केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे. हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हो. बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं. यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे केशव के पिताजी जो थे वो गुजरात से आगरा में आकर आ गए थे, अब वो क्यों आए थे और अब आपको क्या करना है. अपने साथियों से और आपके माता पिता भी जो है कहीं से आए, और जगह से आए हो और यहाँ पर आकर बस गए हो, बातचीत करके आपको पता लगाना है और क्यों आए हो इसके बारे में भी आपको कारण जानना है. तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मुझे दादा तथा पिताजी से बातचीत करके पता लगा कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोजगार यानी कोई काम नहीं है,
नौकरी अगर कहीं दूसरे शहर में नौकरी लग जाती है तो हम अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं व्यापार, या फिर कोई आपको व्यापार करना है बिजनेस करना है तो हम अपने गांव को छोड़कर या फिर शहर को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। आदि के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। तो इसका आंसर भी हम यही लिखेंगे कि मुझे दादा तथा पिताजी से, अगर आप चाहो तो यहाँ पर दूसरा भी नाम लिख सकते हो, दादा और पिता नहीं लिखना चाहो तो कुछ और लिख सकते हो। तो हम इसका आंसर हमने यहाँ लिखा है, मुझे दादा तथा पिताजी से बातचीत करके पता लगा कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे नौकरी व्यापार। आदि के लोग एक जगह से जाते हैं, जैसे कोई अगर गाँव में रह रहा है वहां पर रोजगार नहीं है काम नहीं है तो वो उस गांव को छोड़कर दूसरे शहर की तरफ जाएगा, या फिर उस गांव में उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही तो वो दूसरी जगह चला जाएगा, या फिर उस जगह पर अगर उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा या उसको लगता है कि इस इलाके में व्यापार नहीं किया जा सकता तो वो दूसरी जगह पर जाकर व्यापार करने के बारे में सोचता है। तो इसलिए लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह की ओर आकर बस जाते हैं। अब नेक्स्ट कहानी से प्रश्न थी, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। जब केशव और अकबर बात कर रहे थे तब जो पहरेदार था वो आ गया था तो उसने दखल अंदाजी दे दी थी, यानी उसने बीच में दखल दे दी थी, तो उसकी जो दखल अंदाजी थी वो अकबर को पसंद क्यों नहीं आई। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, अकबर एक नेक दिल राजा था, यानी उसका दिल कैसा था, साफ था, अच्छा था, वह अपनी प्रजा का भला चाहता था, समय समय पर सबकी सहायता करने या बातचीत करने के लिए लोगों से मिलता जुलता रहता था। केशव उसे आम इंसान समझकर बातें कर रहा था। पहरेदार के आने से उसकी बातचीत में बाधा आ गई थी, इसलिए पहरेदार की दखल अंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई, क्योंकि जब अकबर और केशव बात कर रहे थे, उनकी पहली मुलाकात हुई थी, तब केशव को पता नहीं था कि वो राजा है, वो जो है अकबर कोई राजा है। उसे बस इतना पता चल रहा था देखकर कि वो कोई एक अच्छा खासा अमीर इंसान है, पर उसे ये नहीं पता था कि यही जो है हिंदुस्तान का शहंशाह है। अब अकबर जो था वो एक नेक दिल राजा था और वो अपनी प्रजा का भला चाहता था, यानी उनके लिए अच्छे काम करता था और समय समय पर जाकर सबकी सहायता या फिर बातचीत करने के लिए लोगों से मिलता जुलता रहता था, और केशव भी उसे आम आदमी समझकर ही बातें कर रहा था। पर जैसे ही पहरेदार के आने से उसकी बातचीत में बाधा आ गई थी, इसलिए पहरेदार की दखल अंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई और केशव भी डर गया था। उसके बाद उसे लगा कि शायद अब केशव अच्छे से बात नहीं करेगा, इसलिए उसको ये दखल अंदाजी पसंद नहीं आई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखते हैं, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है, यानी केशव ने जब अकबर को देखा था उसने मन में सोचा था कि ये कोई बड़ा आदमी है। अब केशव का यहाँ पर बड़े आदमी से क्या मतलब निकाला केशव ने, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर और प्रतिष्ठित आदमी से है, यानी जिसे उसने एक तो मोतियों की माला पहनी थी और उसके हाथों में अंगूठिया थी, तो उसने सोचा कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर है और प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित यानी बहुत ज्यादा फेमस है, यानी हर कोई लोग इसे जानते हैं। उसने सिर्फ केशव ने सिर्फ इतना ही सोचा था, उसने ये नहीं सोचा था कि वो राजा अकबर है। अब उसके बाद प्रश्न 5, खरगोश की श्री कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल, ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो यहाँ पर जैसे अपन ने देखा था कि जब केशव को पता चल जाता है कि वो अकबर है, तो उसके बाद जो केशव होता है उसे खरगोश किसी कातर आंखों की तरह देखने लगता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हम कोई ऐसा काम कर देते हैं ना तो हमारी तुलना होती है पशु पक्षियों से, हिरन जैसी चाल, ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, शेर जैसी दहाड़ पहला लिख सकते हैं, मोरनी जैसी गर्दन यानी पतली गर्दन, कोयल जैसी आवाज यानी मीठी आवाज, हाथी जैसी चाल यानी धीरे चलना, हिरन जैसी आंख यानी सुंदर आंख, लोमड़ी जैसी चालाकी यानी चतुर, और कुत्ते जैसी नाक यानी सूंघने में तेज। तो ऐसी ऐसी जो है लाइनें हम लिख सकते हैं, शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल जैसी आवाज, हाथी जैसी चाल, हिरन जैसी आंख, लोमड़ी जैसी चालाकी और कुत्ते जैसी नाक। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि एक दिन में आप इतना ही कर सकते हो, और अगली क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हम फिर से पढ़ लेते हैं। केशव की घंटिया में से प्रश्न 1 था, माशाल्लाह ये घंटिया कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है, बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। तो था केशव के काम की तारीफ में,
यह जानने के लिए कि घंटियां जो है कितनी सुंदर है, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियां किसने बनाई है यह जानने के लिए, या फिर क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है, या फिर कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो इसका सही उत्तर हमने लिखा क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है, उन्हें यकीन नहीं था, है ना। अब उसके बाद प्रश्न दो, केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराशा था, उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियां और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो, संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो हमने लिखा ताजमहल और अक्षरधाम मंदिर में ऐसी नक्काशी की गई है ना, और इसका अगर आप चाहो तो ताजमहल का चित्र भी चिपका सकते हो। फिर हमने प्रश्न देखा आना जाना, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे, हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से या आकर बस गए हो, बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। तो हमने लिखा कि मैंने पिताजी व दादाजी से बातचीत करके पता लगाया, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि मैंने ये वाला आंसर कि मुझे दादा तथा पिताजी से बातचीत करके पता लगा कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोजगार, नौकरी, व्यापार आदि के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह आकर बस जाते हैं। उसके बाद तीसरा, अकबर को पहरेदार की दखलअंदाजी क्यों अच्छी नहीं लगी। तो हमने इसका उत्तर लिखा, अकबर एक नेक दिल राजा था, वह अपनी प्रजा का भला चाहता था और समय समय पर सबकी सहायता करने या बातचीत करने के लिए लोगों से मिलता जुलता रहता था। केशव उसे आम इंसान समझकर बातें कर रहा था, पहरेदार के आने से उसकी जो बातचीत थी उनमें बाधा आ गई थी, इसलिए पहरेदार को पहरेदार की दखलअंदाजी थी वो अकबर को पसंद नहीं आई। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। तो हमने लिखा यहाँ बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर और प्रतिष्ठित आदमी से है। फिर प्रश्न पांच, खरगोश किसी कातरा थे, फिर पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और बहुत सी बातें कही जाती है जैसे हिरन जैसी चाल, ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल जैसी आवाज यानी मीठी आवाज, शेर जैसी दहाड़ यानी तेज बोलना, मोरनी जैसी गर्दन यानी पतली गर्दन, हाथी जैसी चाल यानी धीरे चलना, हिरन जैसी आंख यानी सुंदर आंखें, लोमड़ी जैसी चालाकी यानी चतुर, और कुत्ते जैसी नाक यानी तेज सुनना। तो आज की क्लास में हमने इतने क्वेश्चन किए हैं क्योंकि एक दिन में आप इतने क्वेश्चन कर सकते हो और इतने क्वेश्चन समझ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी के क्वेश्चन समझाऊंगी, और ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी, किस तरह से क्वेश्चन आंसर करने हैं वो भी समझ आ गए होंगे। और आपको पता है क्वेश्चन हमेशा ब्लैक पेन से लिखे जाते हैं और उनके उत्तर ब्लू पेन से लिखे जाते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बाकी के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।